चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताजा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। छोटे छोटे सेक्शन पढ़ने शुरू करो ताकि आपको एक्ट बोलना क्या जाता है वो समझ आ जाए। आप बहुत बड़े बड़े एक्ट पढ़ोगे तो आप उस जब वो रास्ता ही छोड़ दोगे तो जाना ही छोड़ दोगे। लेकिन कभी ऐसा हो हैं, हाँ जी, इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट का पेज है ये, मतलब बुक है मेरे पास, तो उसके पेज ही मैं PDF लेके आया था। तो ऐसा नहीं है, देखो क्या होता है, जैसे मान लो आप सोचो कि मैं रोज़ एक सेक्शन पढ़ूंगा या रोज़ एक पाठ पढ़ूंगा, एक पेज रोज़ पढ़ूंगा, नहीं पढ़ पाओगे। आपको किसी एक सेक्शन में अट्रैक्शन हो जाए अचानक, यार इस सेक्शन के बारे में जानना है, तो पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, फिर आप समझोगे भी उसे। आपको अगर मैं होमवर्क दे दूँ रोज़ एक सेक्शन पढ़ के आओगे तो आप नहीं पढ़ के आओगे, आप मेरे को दोगे मैं भी नहीं पढ़ के आऊँगा, नहीं पढ़ के आऊँगा, ईमानदारी की बात है। लेकिन आपको अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगानी पड़ेगी, यार इस सेक्शन में लिखा गया है पहले ये देखूँ, यार ये रोज़ सेक्शन मेरे दिमाग में घूम रहा है। रोज़ आजकल मैं जैसे ही कुछ उठाता हूँ, YouTube खोल रहा हूँ, कुछ गूगल खोल रहा हूँ, कुछ खोल रहा हूँ, ये सेक्शन बार बार आ रहा है, इसमें है क्या। तो जिस सेक्शन के लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी ना, उसे आप आराम से तसल्ली से टाइम दोगे, उसे समझने की कोशिश करोगे, फिर दो चार जब समझ जाओगे ना, फिर आपको चस्का सा लग जाएगा। हाँ, फिर एक्ट पढ़ने का चस्का लग जाता है, फिर आदमी एक्ट पे जाके सोचता है कि मैं एक बार और पढ़ के आऊँ, दो बार और पढ़ के आऊँ, धीरे धीरे आएगा। लेकिन आपको ओवरनाइट बोल दो जाके तुम भारत लो हाउस से बुक खरीद लो और पढ़ लो, नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, कोई नहीं पढ़ पाएगा, मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं आपकी बात क्या करूँ, मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे क्यूरियोसिटी जगाने पर, आप अगर ऐसे सोचोगे यार ये तो बड़ा दुखी करने वाला, तो छोड़ो कल से क्लास ही लेनी बंद करें, तो नहीं, वो मज़ा नहीं आएगा। फिर आप अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट नहीं हो पाओगे। आपको अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना है तो जाना तो पड़ेगा। ये कोई है कि अगर मान लो स्विमिंग सिखाते हैं तो सीधे पहले 8 फुट वाली हाइट गहराई पे कोई सिखाते हैं, पहले 3 फुट 4 फुट वाली गहराई पे सिखाते हैं, कम कम दिखाते हैं कि बच्चा जो सीख रहा है वो खड़ा भी हो सके, गिरे सीधे डूबी ना जाए। अगर सीधे 8 फुट 10 फुट की हाइट में ले गए तो आधे ही बच्चे वापस आएंगे, है ना। तो मैं 8 फुट 10 फुट की हाइट में जाने को आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम पानी में पैर डाल के तो बैठना सीखो। अगर स्विमिंग करने की इच्छा रखते हो तो कम से कम पूल के पास जाओ, आधा पौना घंटा पानी में पैर डाल के तो देखो, हाँ कि इतना ठंडा झेल भी पाओगे, नहीं झेल पाओगे, पता लगा पानी में पैर डालने में डर लग रहा है और गए स्विमिंग पूल में नाम लिखा लिया, फिर तो ज़िंदगी में, और पानी के बाहर रह के तैराकी नहीं सीख सकते, ये बात भी तय है। तो अगर एक्ट सीखना है तो जाना तो पड़ेगा, पहले 2 फुट वाली हाइट में जाओ, फिर 4 वाली में जाओ, 6 वाली में जाओ, धीरे धीरे हाइट को बढ़ाते रहो, डीप उसकी गहराई को बढ़ाते रहो, ताकि आप उतर जाओगे। लगेगा 2-3 साल 4 साल का टाइम लगेगा, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, इस बात को मैं मान के चल रहा हूँ, आप भी मान के चलो। लेकिन आपको इस प्रोफेशन में रुके रहना है, अड़े रहना है, और इस प्रोफेशन से पैसा कमाना है तो पानी में तो कूदना पड़ेगा। अगर स्विमिंग में नाम कमाना है तो पानी में तो कूदना पड़ेगा, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। नहीं तो आप क्या रहोगे, बाहर से स्पेक्टेटर ही रहोगे, है ना, दर्शक बने रहोगे। दर्शक बनने में वो मज़ा नहीं है जो स्विमर बनने में मज़ा है ना, तो मज़ा तो इसी में है। और तभी कोई पैसा देगा ना, पैसा तो नॉलेज का देता है, कोई किसी की शक्ल के पैसे कोई दे रहा है, तो नॉलेज का पैसा दे रहा है। आपको नहीं पता तो अगर आपके, देखो कोई भी आपसे अगर ना, कोई भी, मैं तो आपको सिंपल सी बात देता हूँ, कोई भी आपका नॉन आदमी आपसे कुछ भी सेक्शन के बारे में पूछ लेना, आपको उस टाइम नहीं पता हो तो उसे मत बोलना यार तू मेरे से ये वाली बातें मत करा कर। वो आपसे क्यों पूछ रहा है, क्योंकि आप इस प्रोफेशन में हो। हो सकता है वो आपको चैलेंज कर रहा हो, इस बात के लिए चिढ़ा रहा हो, कोई बात नहीं, उसका चैलेंज एक्सेप्ट करो। ढूंढो, आजकल तो राइटअप सब जगह अवेलेबल है, 2-3 राइटअप पढ़ो, जहाँ सिमिलरिटी सी लगे तो ये मान लेना ठीक है, वो ऑथेंटिक ही है। और सबसे पहले पब्लिश की डेट देख लेना, किस डेट पे पब्लिश हुआ है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेज होते हैं, GST एक्ट में चेंजेज होते हैं। जिसने वो डॉक्यूमेंट अपलोड करा वो किस दिन अपलोड करा, वो डॉक्यूमेंट के अपलोड की डेट आती है ना गूगल पे भी वगैरह पे भी, तो वो भी देख लेना, पता लगा 10 साल पुराना राइटअप पढ़ के उसे कोई आप डिसीजन दे दो तो वो वैसे ही, वो तो वैसे, एक तो वो चिढ़ा ही रहा था, दूसरा वो मजाक उड़ाएगा कि उसे तो पता था आपको पता नहीं है। तो आप उसकी बात को सीरियस लो, चाहे उसके जवाब दो या मत दो, लेकिन अपनी नॉलेज में उस चीज़ को ऐड करके लो, अच्छा इसका मतलब ये था, तभी मेरे से मजे ले रहा था, कोई बात नहीं, तू पूछ भाई जितना पूछ सकता है ना। तो आए चाहे वो GST पूछे, इनकम टैक्स पूछे, कुछ भी पूछे, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको खंगालो, उसको पढ़ो, अगर वो दोबारा सुनने के लिए अवेलेबल है तो सुनाओ, नहीं तो आपकी नॉलेज तो बढ़ी गई, है ना। आप स्पेशल पढ़ नहीं पाओगे, ये बात भी तय है, नहीं पढ़ पाओगे। मैं आपको अभी एक क्लास के बाद ये पेज दे दूंगा, देखना कितने लोग पढ़े, ईमानदारी से पूछ, अपने आपको बता देना, मैं नहीं पूछूंगा अगली क्लास में आपसे, लेकिन ईमानदारी से आप देखना कितने लोगों ने इस पेज को पढ़ा, नहीं पढ़ा होगा आपने। आप PPT मेरे से सारी लेते हो, पढ़ता कोई नहीं उस PPT को, सबको पता मेरे पास पढ़ी है, कभी भी पढ़ लूंगा, है ना, पढ़ कोई नहीं रहा है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है ना, इस टाइम और जीवन में और समस्याएं बहुत हैं। ये क्लास तो 1 घंटा 2 घंटा इसलिए आना पड़ता है कि घर वालों ने भगा रखा है, इसके अलावा जीवन में और समस्या है तो उनकी ज़्यादा प्रायोरिटी है। लेकिन प्रोफेशन में ऐसा काम चलेगा नहीं, आपको प्रोफेशन में टिकना है। देखो
या तो आपके पास एक्चुअल में कोई प्रोफेशनल डिग्री हो, जो नहीं है अभी हमारे पास, है ना, जो नहीं है। तो अब यही एकमात्र सहारा है, और इसको भी हमने सीरियसली नहीं लिया तो फिर हम डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, टाइपिस्ट हैं, फिर हम अकाउंटेंट नहीं है। मैं आपको पहली क्लास से बोल चुका हूँ कि फिर हम टाइपिस्ट हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, अकाउंटेंट नहीं है। आपको आज की डेट में अकाउंटेंट बनना है तो आपको जीएसटी और इनकम टैक्स की नज़र नॉलेज होनी चाहिए। जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, इन तीनों चीज़ों में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। नहीं तो कम से कम जीएसटी और टीडीएस दो जगह तो कम से कम हो, दो जगह तो हो। अगर इन दो जगह पे आपने एक्सपर्टी नहीं ली, अपने आपको कंट्रोल में नहीं लाए अपनी चीज़ों को, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। 10-12-15 हज़ार रुपये की नौकरी, उससे कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा कि आप फीस दे चुके हो, है ना। फिर आप बोलोगे यार 4 साल काम करते करते हो गए, NIFM ने पता नहीं क्या सिखाया, आज तक भी हमारी फीस सैलरी उतनी नहीं हुई जितनी NIFM को फीस दी थी हमने। वो होगी भी नहीं, क्योंकि नॉलेज की वैल्यू है ना। आप नॉलेज खुद एक्वायर नहीं करना चाह रहे हो, प्रैक्टिस करना नहीं चाह रहे हो, तो कैसे कोई पैसे दे देगा? कोई नहीं देगा पैसा। तो बैक टू द पॉइंट, 44AD कुछ नहीं कह रहा है, केवल कह रहा है कि आपको अपनी ग्रॉस टर्नओवर का 8% या 6% प्रॉफिट दिखाना है। कैसे दिखाना है ये बता देता हूँ बस मैं आपको, बाकी राइटअप हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो क्या कहानी है, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, ये आपका सेक्शन 44AD है, सेक्शन 44AD, ये फाइनेंशियल ईयर है आपका 23-24, करंट वाले ही मान लेते हैं। इसमें आपकी सेल है पूरे साल की 1 करोड़, 1.5 करोड़, ये आपकी टर्नओवर है सेल, ठीक है। अब आपको ITR कब तक भरनी है? 31 जुलाई तक। क्या मैं इसकी ITR 31 अक्टूबर तक भर सकता हूँ? क्योंकि टर्नओवर ऑडिट की लिमिट से ऊपर है, लेकिन मैंने ऑडिट कराना नहीं है। देखो ऑडिट 1.5 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर ऑडिट है ना, टर्नओवर तो ऑडिट की लिमिट से ऊपर है, लेकिन मैं ऑडिट कराऊंगा नहीं, मैं ITR भरूंगा 44AD के अंदर। तो क्या मैं 31 अक्टूबर तक रिटर्न भर सकता हूँ विदाउट एनी पेनल्टी और लेट फीस? दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने ITR भरनी है 44AD में, मेरी टर्नओवर 1.5 करोड़ है, विच इज़ एक्सीडिंग द टर्नओवर लिमिट ऑन गिवन सेक्शन 44AB में, जो लिमिट दी है वो कितनी थी? 1 करोड़, कि 1 करोड़ से ऊपर होगा तो ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन मैं ऑडिट नहीं करा रहा, मैं ITR भर रहा हूँ 44AD में। तो क्या मैं अपनी रिटर्न को ऑडिट वाली डेट तक भर सकता हूँ 31 अक्टूबर तक विदाउट पेइंग एनी लेट फीस और पेनल्टी? बिना ऑडिट कराए ऑडिट वाली डेट तक रिटर्न भर सकता हूँ क्या मैं? नहीं, मेरे लिए यही लिमिट है। अगर आपकी टर्नओवर चाहे कुछ भी हो, यानी कि अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ भी है ना, आपकी टर्नओवर 10 करोड़ भी आप ऑडिट नहीं करा रहे हो, तो भी आपको रिटर्न कहाँ भरनी है? यहीं भरनी है फिर आपको। 10 करोड़ भी ऑडिट है और ऑडिट नहीं करा रहे हो, तो रिटर्न कहाँ भरनी पड़ेगी? यही वाली डेट है आपके लिए, वो वाली ऑडिट वाली लिमिट नहीं है, वो वाली तो उन्हीं के लिए जिनकी ऑडिट होगी 31 अक्टूबर वाली डेट। तो आपको 31 जुलाई और इससे पहले पहले आपको ITR फाइल करनी है। यहाँ तक चीज़ क्लियर है? अब वो क्या कह रहा है, आपको 8% दिखाना है और 6% दिखाना है ऑफ द ग्रॉस रिसीट, यानी कि आपकी जो 1.5 करोड़ की सेल है, इसमें से आपको आप पहले ये करना पड़ेगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और अप टू दिस डेट। इस डेट का मतलब जिस दिन भी आप ITR भर रहे हो, मान लो आपने 30 जून को ITR भर दी अपनी, है ना, आप कहते हो क्यों 31 जुलाई तक का इंतजार करो, ITR भरो, सब कुछ ठीक है ना, मेरे बुक्स तैयार हैं, जो मेरे को करना था कर लिया सब कुछ, तो 30 जून को रिटर्न भरी, तो यही डेट आपके लिए डेडलाइन है। क्या करना है, आपके पास मान लीजिए इस 1.5 करोड़ में से पूरे साल में पैसे आए हैं 80 लाख रुपये रिकवर हो गए, यहाँ तक बात क्लियर है, 18 लाख रुपीज रिसीव्ड, ये रिसीव हुए हैं अप टू 31, रिसीव्ड अप टू 31 मार्च 2024 एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू, मैं डेट मान रहा हूँ ITR भरी हमने 30 जून 2024, मुझे 40 लाख रुपए और मिल गए। कौन से वाले पैसे मिले? पिछली वाली टर्नओवर से बात मिल रही है मेरी, ध्यान रखना। यहाँ तक बात क्लियर है? ऑनलाइन वालों, यानी कि मुझे 1.5 करोड़ की टर्नओवर से कितने पैसे रिकवर हो चुके हैं? 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 80 लाख रुपए तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मिल गए थे, 40 लाख मुझे ITR भरने की डेट के से पहले पहले मिल गए, 30 जून से पहले पहले मिले जिस दिन मैं ITR भर रहा हूँ। अब इनकम टैक्स क्या कह रहा है कि जो पैसा आपको ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ ITR की ड्यू डेट, ITR डेट तक, ड्यू डेट की बात नहीं कर रहा, जिस डेट ITR, ड्यू डेट तो ये थी जब ITR आप यहाँ 30 जून को यहीं पर 30 जून को ITR भर दोगे, तो इसके बाद के पैसे कैसे डालोगे ITR में इफेक्ट, वो डाल ही नहीं पाओगे। तो आपने 30 जून को ITR भरी, जब 30 जून को आप ITR भर रहे हो तो उस दिन तक देखो आपके पैसे कितने मिले हैं, 1 करोड़ 20 लाख रुपए टोटल रिसीट हुआ, टोटल रिसीट 1 करोड़ 20 लाख। अब वो कह रहा है इसका बंटवारा करो जरा पहले, स्पेसिफाइड मोड वाला, स्पेसिफाइड मोड और अदर्स,
अदर देन स्पेसिफाइड मोड में कितना पैसा मिला अदर मोड, पहले इसको कैलकुलेट करो। मान लो इसमें से 70 लाख रुपए मुझे स्पेसिफाइड मोड से मिला और 50 लाख रुपए अदर देन स्पेसिफाइड मोड मिला, यानी कि कैश मिला, बियरर चेक मिला, है ना, वो मिला। अब मेरी टर्नओवर अभी कितने का बंटवारा करा मैंने, 1,20,00,000 का। टर्नओवर कितनी है मेरी, 1,50,00,000, है ना। तो यानी कि कितने रह गए, 30 लाख का डिफरेंस रह गया। तो 30 लाख भी कहाँ पे है, यही माना जाएगा। वो हो गया 1.5 करोड़ का बंटवारा। हाँ जी, 1.5 करोड़ का बंटवारा समझ आया पहले आपको? क्या करना है आपको, ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर, जिस दिन आप आईटीआर भर रहे हो उस दिन तक का सारा पैसा जोड़ो। सारा पैसा आया था 1,20,00,000, 1,20,00,000 रुपए मिले थे। इसका दो हिस्से में तोड़ दो कि स्पेसिफाइड मोड से कितना आया, अदर देन स्पेसिफाइड मोड से कितना आया। स्पेसिफाइड मोड से 70 लाख आया था, अदर देन स्पेसिफाइड मोड से 50 लाख आया था। 1,20,00,000 तो मुझे मिल गए, लेकिन मेरी टर्नओवर तो 1.5 करोड़ है ना, तो मुझे आईटीआर तो 1.5 करोड़ से भरनी है। तो जो मेरे को पैसे नहीं मिले उसको भी अदर देन स्पेसिफाइड मोड में मानना पड़ेगा कि इनकम टैक्स कह रहा है पता नहीं तुम कैसे लोगे। अब जैसे मर्जी लो, मैं तो टैक्स आपसे हायर रेट पे लूंगा, है ना। जो स्पेसिफाइड मोड से पैसा कलेक्ट हुआ है इसका तो 6% निकालो अपना प्रॉफिट, और जो अदर देन स्पेसिफाइड मोड से पैसा कलेक्ट हुआ है इसका 8% प्रॉफिट निकालो, है ना। 80 लाख इसका 8% निकालो, तो अब क्या इतना आएगा, 7×42 4,20,000 रुपये और 6,40,000 रुपये, 8% है ना, 6,40,000 रुपये। तो आपकी टोटल इनकम बनी 10,60,000 रुपये। ये आपकी टैक्सेबल इनकम है अंडर द हेड 44, अंडर सेक्शन 44 AD में। तो टैक्सेबल इनकम निकालनी है, सीख गए 44 AD में टैक्सेबल इनकम कैसे निकालनी है। कैसे भी मेरे, फिर कोई लेना देना नहीं है, फिर कोई लेना देना नहीं है, फिर आप कैसे भी इनकम टैक्स कर रहे हैं, हम तो मानेंगे तुम अदर देन स्पेसिफाइड मोड से लोगे, तभी तुमने लिए नहीं है, तो हम आपसे हायर टैक्स ले लेंगे। ये बात क्लियर है सबको। इसकी टर्नओवर, इसका जो टैक्सेबल प्रॉफिट आया अंडर सेक्शन 44 AD कितना आया, ये है टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। अब यहाँ पे चलते हैं एक्चुअल इनकम, केस ए और केस बी। एक्चुअल इनकम इन केस ए और केस बी। केस ए में एक्चुअल इनकम है मेरी 8 लाख रुपए। एक्चुअल अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट बना ही रहा हूँ ना, क्योंकि GST वगैरह तो बनाना ही पड़ती है, बुता बना ही रहा हूँ, और यहाँ पर है मेरी इनकम 12 लाख रुपए। तो अब ITR में कितनी इनकम दिखानी है मुझे, केस ए में कितनी दिखानी है, 10,000। केस ए में कितनी दिखानी है, 10,000। पता नहीं करने का करिए, पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हो। लो एक्चुअल इनकम मेरी 8 लाख है और मेरी 44 AD की इनकम है 10,60,000। तो कितनी इनकम दिखाऊँ मैं ITR में, 10,60,000। अब केस बी पकड़ लेते हैं। केस बी, यहाँ पे मेरी इनकम है 12 लाख। अब मुझे ITR में कितनी इनकम दिखानी, मतलब मुझे टैक्स किस इनकम पर देना है। ITR में इनकम दिखाने का मतलब कौन सी इनकम को टैक्सेबल मानना है मैंने, 12 लाख। कितना, 10,60,000। यहाँ पे देखो कहाँ लिखा था उसने, ये लिखा था बी अ सम हायर देन द अफोरसेट क्लेम्ड हैव बीन अर्नड इनकम। अफोरसेट कितना लिखा था, 8%, 8% या हायर देन, जो भी आपको ज़्यादा एक्चुअल में मिला होगा। तो मेरे को एक्चुअल में केस बी में कितना मिला, 12 लाख। तो इनकम कितनी मानूंगा मैं, अब 12 लाख मानूंगा, 8 लाख नहीं मान पाऊंगा, है ना। 8 लाख माने तो 10,60,000 माने तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बात सोचो, इनकम टैक्स वाले क्या आपको लगता है इतने भोले भाले लोग हैं, आप खुद कह रहे हो मैंने 12 लाख कमाए हैं, वो कहेगा 10,60,000 पे इनकम टैक्स दे दो, क्या लग रहा है, इतने शरीफ आदमी है। अगर इतने शरीफ आदमी होते वो भी सड़क पे ही होते ना, तो वो नहीं है इतने शरीफ आदमी, जो एक्ट बना रहे हैं उन्हें भी तो पता है क्या करना है। तो अगर जब आप अपने मुँह से खुद कह रहे हो मैंने 12 लाख रुपये कमाए हैं, मुँह से कहने का मतलब आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर बता रही है कि आप मार्केट में 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो। आपका कैश सरप्लस जो है, बैंक का सरप्लस बैलेंस बता रहा है कि पूरे साल में 12 लाख रुपए कमाए हैं आपने, तो फिर आपको इनकम टैक्स आपसे टैक्स 10,60,000 पे क्यों ले लेगा। लेकिन आपको आपने बोला देखो अब तो मैंने 8 लाख कमाए हैं, वो कह रहा मुझे नहीं पता, 44 AD ऑप्ट कर रहे हो ना, तो फिर 10,60,000 दिखाओ, 8 लाख से कोई लेना देना नहीं है। आपको क्यों दिखा, क्यों ये ऑप्शन दी कि आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने, बस यही सुकून है आपका।
44AD में अगर आप ITR फाइल कर रहे हो तो केवल SSC का ये फायदा है, ही इज नॉट लाइबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना, जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है वो नहीं बनानी पड़ेंगी उसे, केवल ये सुकून है और कोई सुकून नहीं है। SSC का कोई 44AD में कोई फायदा नहीं है। कई सारे लोगों ने इनिशियल डेज में, तो मैंने भी करी होगी, है ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इनिशियल डेज में जब तक 44AD ब्लरी था, नया नया आया था, इनिशियल डेज में तो मैंने भी करी होगी और बहुत सारे लोग आज भी कर रहे हैं कि जब IT ये जो भी एक्चुअल इनकम मेरी पता लगा 50-50 लाख लोगों की, लोगों ने FD करा रखी है बैंक में पड़ी हुई उसी साल में सरप्लस पैसे से, और इनकम दिखाई है ऐसे 10 लाख 5 लाख जो 44AD से आ रही थी 8% वाली, 8 वाली 6 वाली वो दिखाई है, तो वो ठीक है। डिपार्टमेंट की इंसानियत, डिपार्टमेंट ने किसी के केस खोले नहीं 44AD, मैक्सिमम केस नहीं खोले आज तक, लेकिन अगर खोल दिए तो बवाल हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, है ना, क्योंकि 44AD में ज़्यादातर छोटे व्यापारी हैं, 1 करोड़ वाली 2 करोड़ वाली टर्नओवर वाले हैं, और वो न तो अपना लेन देन का रिकॉर्ड प्रॉपर रखते हैं, उन्हें ये तो बताया था मैंने किस आदमी से किस कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, उसमें ये भी याद होता है उन्हें कच्चे वाले कितने लेने, पक्के वाले कितने लेने हैं, और किसको कितने पैसे देने, कच्चे वाले कितने देने, पक्के वाले कितने देने, वो सब याद रहता है। लेकिन जब उनसे प्रॉफिट की बात करें, कहाँ सर प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, खाने जहर खाने को पैसा नहीं है, है ना, ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन ये सब पता होता पैसा कहाँ से हो रहा है, अगर पिछले साल किसी ने पूछो कहाँ जा रहे हो, अरे कुछ नहीं, एक वो फ्लैट खरीदा था उसकी रजिस्ट्री कराने जा रहा हूँ। अरे फ्लैट कहाँ से खरीदा था, जहर खाने को पैसे नहीं है, तो फ्लैट के पैसे थे जहर के नहीं थे, क्योंकि जहर खाना नहीं था, है ना। तो क्लाइंट ऐसे ही इनोसेंट होता है, पैसा कमा रहा है, जो आदमी पैसा नहीं कमाएगा वो 2-4 साल में बिजनेस बंद कर देता है, ना सर्वाइव कितना करेगा, घर से कितने पैसे लेके आएगा। तो आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा, या तो उसको बोलना पड़ेगा भाई तू बाहर जो पैसा ले रहा है ना उसे कैश में ही ले और कैश में ही खर्च कर दे, बात खत्म कर, उसे बिजनेस में इन्वॉल्व भी मत कर, बैंक की बैंकिंग चैनल में फ़ोन पे गूगल पे उससे मत ले। वो कई लोग क्या होते हैं, मैंने तो फ़ोन पे मंगाया था, अरे फ़ोन पे मंगाया था वो बैंक में ही है, वो लीगल है, डिजिटल मीडिया, उसे तो बिल्कुल नहीं मना कर सकता, मिटा भी नहीं सकता कभी ज़िंदगी में। तो वो पैसा आपको इनकम में मानना पड़ेगा। अगर आप किसी की ITR 44AD में भर रहे हो ना, तो ज़रूर उसकी बैंक स्टेटमेंट और जितनी बैंक स्टेटमेंट उसके पास है सारी, उसकी सारी बैंक स्टेटमेंट खंगाल लेना पहले। अगर 44AD में ITR भर रहे हो तो उसकी GST की टर्नओवर को खाली मत मानना भरोसा, है ना, केवल GST की सेल को। अगर ज़्यादातर लोग तो GST भी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो 1 करोड़ से नीचे वाले भी हैं ना उसके अंदर, 40 लाख 50 लाख वाले लोग भी हैं, 40 लाख वाले 30 लाख वाले भी। तो अगर उनके पास GST है तो GST की टर्नओवर तो प्राइम ऑफिसिय है ही है, साथ में उसका बैंकिंग चैनल भी खंगाल लेना, बैंक स्टेटमेंट जरूर खंगाल लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बैंक स्टेटमेंट खंगाल लेना, साथ में आज की डेट में AIS तो है ही इनकम टैक्स के पोर्टल पे, विच नोज मोर देन यू अबाउट यू, AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, किसी की ITR भरने से पहले ये जरूर देखनी है। आज की डेट में ITR भरना बड़ा रिस्की काम है, रिस्की काम, क्लाइंट 2 मिनट में हाथ खड़े कर देता है, मुझे नहीं पता आपने ITR भरी है, तो ये आपकी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है कि आप ITR भरते टाइम क्या क्या चीज़ चेक करनी है। 26AS ये तो शुरू से चेक करते थे, AIS बैंक स्टेटमेंट, GST का पोर्टल, इतनी सारी चीज़ें चेक करने पड़ते हैं केवल 44AD की रिटर्न भरने के लिए भी, 44AD की रिटर्न भरने के लिए भी ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। जो इनकम टैक्स पोर्टल आपके पेन नंबर पे पूरे इंडिया में जितनी भी ट्रांजेक्शन है, इंडिया और उसके बाहर आपके पेन नंबर पे जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, सभी एजेंसीज को बोला हुआ है डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगा रखी है कि आप पेन नंबर को सब जगह लिंक करो और वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ शेयर करो, तो डिपार्टमेंट उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसकी कैटेगरी वाइज कि आपने पिछले साल में टैक्स कितना दिया, आपने पिछले साल में इक्विटी और म्यूचुअल फंड में शेयर सेल परचेज कितनी करी, आपने पिछले साल में कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची है, आपका किस किसने TDS काटा, आपने पिछले साल में कितनी GST में सेल कितनी डाली है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखती है अब AIS के अंदर, अकेले AIS के अंदर। अब अगर जो इन्फॉर्मेशन AIS में आ रही है और आप कहो मेरी इनकम नहीं है तो कैसे पॉसिबल होगा, नहीं तो आप AIS में जाके उसे डिक्लाइन कर दो, रिजेक्ट कर दो कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मान लीजिए किसी ने मेरा गलत ना मेरा पेन नंबर गलती से डाल दिया, कोट कर दिया, तो दिखेगी तो मेरे AIS में ना, तो या तो मैं ITR भरते टाइम उसे रिजेक्ट कर दूँ कि ये मेरे से रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड टू मी, तो बात खत्म हो जाएगी। फिर ये अगला नोटिस उसी के पास जाएगा जिसने पेन नंबर डाला था, भाई तूने उसका पेन नंबर क्यों डाला, और अगर जेन्युइन था आपने डिक्लाइन कर दिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने एक्चुअल को डिक्लाइन कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी रिसेंटली एक केस आया था मेरे नोन में किसी का, उसकी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के नाम पे सैलरी डाली, ठीक है, उसके एम्प्लॉय था वहाँ पे, वो उसको सैलरी दी, उन्होंने सैलरी डाल दी, और भाई साहब ने सैलरी डाल दी, उन्होंने फॉर्म 24Q डाला TDS के रिटर्न का, तो वो उसकी AIS में जाके लैंड कर गया, उसने ITR भरी नहीं, उसको नोटिस आएगा तुम्हारे पास टैक्सेबल, वी हैव रिलायबल सोर्सेज दैट यू अर्न
इनकम बट यू हैव नॉट फाइल द ITR नोटिस आता है ऐसा, तो उसने वो 26 AIS में किसी ने सलाह दी होगी जाके AIS में जाके रिजेक्ट मार दे, उसने AIS में जाके रिजेक्ट मार दिया कि मेरी इनकम नहीं है। अगला नोटिस आया कंपनी को कि तुमने मिस्टर एक्स के नाम पे अपनी सैलरी दिखा रखी है, वो अपनी इनकम मना कर रहा है, तुम्हारा खर्चा डिसअलाउ हो रहा है। फिर कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाए हुए, अगला नोटिस वो इसी के पास गया होगा जिसने रिजेक्ट मारा था। तो आँख बीच के रिजेक्ट भी नहीं मारना, देख लेना कि अगर आपके AIS मारी तो ITR भरी दो, 31 दिसंबर तक तो ITR भरी सकते हो ना, 1000 रुपये की लेट फीस या 5000 की लेट फीस ही तो लगेगी, लेकिन ITR भर दो, सुकून में रहोगे। क्योंकि आज की डेट में ना टेक्नोलॉजी की वजह से सारी चीज़ें रिकॉल करना बड़ा आसान हो गया, सब कुछ एक बटन के क्लिक पर है। तो अब वहाँ डिपार्टमेंट में जितने आलसी लोग थे ना वो भी काम करने को तैयार हैं, क्यों? क्योंकि सब कुछ एक बटन के क्लिक पे है। पहले तो फाइलें ढूंढो, 3 साल की फाइलें के रिकॉर्ड को कंपाइल करो, फिर ऑर्डर बनाओ, इतने में पता लगता था सामने से SSC का कोई रिप्रेजेंटेटिव आ गया, कंसल्टेंट आ गया, अरे सर ये किसकी फाइल देख, अरे ये तो मेरा ही क्लाइंट है, इसकी फाइल क्यों देख रहे हो, क्या चाहिए मेरे को बताओ, है ना, उतने में काम हो जाता। अब तो वाला काम भी खत्म हो गया, फेसलेस हो गया, अब तो पता ही नहीं कौन सा आदमी किसकी फाइल खोल लेगा, सिस्टम खोलता है आज की डेट में, तो वो समस्या भी खत्म हो गई। तो आज की डेट में नोटिसों से बचना आसान नहीं है और पेनल्टी देनी ही पड़ेगी, कोई दूसरा बाईपास नहीं है, आसान सोर्स में तो नहीं है, है ना, आसान कंडीशन में आप पेनल्टी से बच नहीं सकते। मांडवाली वाले जमाने लद गए हैं इनकम टैक्स में, तो बिल्कुल इनकम टैक्स में तो बिल्कुल खत्म हो गए हैं कहानी है। तो ITR भरने से पहले ये जरूर देखना है, और 44AD में आपको इनकम इसे कैलकुलेट करनी है, मैंने आपको बता दिया ना, ये 44AD में इनकम ऐसे ही कैलकुलेट करनी है, ध्यान रखना है। चले आगे, एक लास्ट, बस लास्ट, कितना टाइम है, हाँ लास्ट अभी तो टाइम है, 10 मिनट तो दे ही दोगे। फाइनेंशियल ईयर 23-24, ये एक फर्म है, सेल्स है इसकी 1,60,00,000, रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर और फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू 30 जून 2024 एंड फ्रॉम 1 जुलाई 2024 टू 31 अगस्त 2024, ठीक है, ITR 31 जुलाई और 1 अगस्त 2024 टू 30/9/2024, ITR फाइल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2024। पहले ये चीज़ समझ आई तो बताओ, आगे लिखो फिर, मैं नंबर लिखने मेरे को खाली। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसकी टर्नओवर 1,60,00,000 रुपए है, ठीक है, हाँ बिल्कुल नोट कर लो, हाँ आप कहीं पिछली बार की तरह बंद हो गया तो काम हो जाएगा। ये चीज़ समझ आ गई कि फर्म की सेल है 1,60,00,000 रुपए, रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर कब कब हुई है, 1 अप्रैल से 30 जून तक कुछ पैसे मिले, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक कुछ पैसे मिले, 1 अगस्त से 30 सितंबर तक भी पैसे मिले हैं, लेकिन ITR फाइल करी उसने 1 अक्टूबर 2024 को, क्लियर है? अब लिख दूँ इसके आगे नंबर, रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर, जहाँ मैं कैश लिख रहा हूँ तो मान लेना वो अदर देन स्पेसिफाइड मोड ही है ना, मैं कैश ही लिख रहा हूँ, और बैंक, कैश और बैंक यहाँ मिले मुझे, अगर मैं इसे ऐसे कर दूँ टोटल करना आसान हो जाएगा ना आप लोगों के लिए, रुक जाओ, ये हर पीरियड के लिए है, कैश में कितना आया और बैंक में कितना आया, है ना, जो जो पीरियड नीचे दिए उसके लिए सबके लिए एक सेम है। यहाँ पे आए 10,00,000, यहाँ पे आए 50,00,000, यहाँ पर आए 20,00,000, यहाँ पर आए 20,00,000, 60-40,100, यहाँ पे आए 10,00,000, यहाँ पे आए 30,00,000, 130, बस ये टोटल पैसे है, टोटल कैश किसे कितना मिला इसे, 10, 20, 40 और 50 और 30, 50, 50, 100, 1 करोड़, तो यहाँ पे ये इसे पैसे आ गए 1 करोड़, ये 40,00,000 हैं। टैक्सेबल प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44AD कितना आएगा, ITR इसने 1 अक्टूबर 2024 को भरी है, ITR फाइल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2024, देखो बात सुनो, मैंने आपको क्या बोला है, जितना पैसा बैंकिंग चैनल से आएगा उसका 6%, जो बैंकिंग चैनल से नहीं आएगा उसका 8%। बैंकिंग चैनल से पैसा कितना है पहले ये बताओ, सब गलत देख रहे हो ना, बैंकिंग चैनल से जिस डेट तक ITR फाइल होती है उस डेट तक देखना है, ITR फाइलिंग की डेट जो अंडर सेक्शन 139(1) में दी है, वहाँ पढ़ के आए थे ना,
अप टू डेट द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर अंडर सेक्शन 139(1). मैंने आपसे पूछा था 139(1) क्या होता है, आप मेरे को था आईटीआर फाइलिंग की डेट, आईटीआर फाइलिंग की 139 की डेट क्या है, 31 जुलाई तो है। आप आईटीआर जब जिस जमाने में भरो क्या फर्क पड़ता है, यानी कि इस 70 लाख का कितना 6 बैंकिंग चैनल से आया हुआ पैसा है, इसका 6% कितना होता है 4/20। इसके अलावा आप कैसा भी आए बाकी सबका कैसे 8%। मेरी टर्नओवर कितनी है 1,60,00,000, 1,60,00,000 में से 70 लाख कैसे आया मेरा चेक से, बाकी 90 लाख कैसे आया होगा मेरा कैश, तो 90 लाख का 8% निकालो कितना आएगा 7/20। आपको आपने कब आईटीआर भरी इस बात से लेना देना नहीं है। आईटीआर की ड्यू डेट जो है, पहले वाले हमने क्या करा 30 जून को आईटीआर भर ली थी ना, अब की बार हमने भरी अक्टूबर में। तुम आईटीआर जब मर्जी भरो, वो जो कलेक्शन की डेट मानेगा वो कब तक मानेगा, ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1). इसलिए मैंने 31 जुलाई अलग करा, 1 अगस्त अलग करा। अगर मैं पूरा 31 अगस्त कर देता ऊपर तो फिर आपके लिए फिर आप कर ही नहीं पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, आप भी नहीं कर पाओगे, मेरे को कैसे पता लगेगा 31 जुलाई तक कितने लिए और 1 अगस्त कितने लिए। इसलिए पैसा अलग लिखा मैंने, समझ आएगा। 11/40 उनका सही था तरुण का बिल्कुल, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला वहाँ पे। तो जो मैंने 31 जुलाई तक पैसे लिए बस वो देखना है, या अगर मैंने आईटीआर 31 जुलाई से पहले भर दी तो उस डेट को लेना है। जैसे इससे पहले वाला एग्जांपल है, जून में आईटीआर भर दी तो फिर जुलाई में कितना पैसा है कोई मैटर ही नहीं करता ना, रिटर्न ही में जुलाई में भर चुका हूँ जून में। जब मैंने रिटर्न जून में भर दी तो जुलाई में जो भी पैसा आएगा वो तो सब कैसे माना जाएगा, नॉन स्पेसिफाइड मोड ही माना जाएगा, उस पर तो मैं 8% ही कैलकुलेट कर रहा हूँ ना। देखो मेरे को असल में देखोगे तो जुलाई की डेट तक तो 30 लाख रुपये तो आए थे मेरे पास, लेकिन मेरे को 8% कितने पे कैलकुलेट करना पड़ा 90 लाख पे, तो यानी कि जो 60 लाख रुपये आउटस्टैंडिंग है वो भी तो मैं नहीं जुड़वा ली है, 1 करोड़ ये भी नहीं जुड़ गया ना, तो ये कहानी है, क्लियर हो गया। ये जो 30 लाख से बैंकिंग चैनल से आया ना बाद में, ये भी इसी में जुड़ गए हैं, ये भी तो इसी में जुड़ गए हैं, क्योंकि नॉन स्पेसिफाइड मोड मान लिया जाएगा, क्योंकि आईटीआर भरने के बाद जो ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) वाली है। अब क्लियर हो गया 44AD क्लियर। देखो 44AD की समरी क्या थी, सेक्शन 44AD वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेज, दोज हु आर अनएबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, जिनके पास बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने में मतलब वो एबल नहीं है, इतना इक्विप्ड नहीं है या इतनी कॉस्टिंग बियर नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए बोला था तुम बुक्स ऑफ अकाउंट मत बनाओ, सिंपल अपनी टर्नओवर का एक परसेंटेज हम टैक्स इनकम डिक्लेयर कर दो, अब इररेस्पेक्टिव एक्चुअली यू आर इनकरिंग लॉस और प्रॉफिट कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल में अगर आपको लॉस हो रहा है तो भी आपको प्रॉफिट ही दिखाना है, और एक्चुअल में जो प्रॉफिट हो रहा है वो अगर 8% से ज़्यादा है तो वो वाला दिखाना है, एक्चुअल प्रॉफिट और 8% विच एवर इज हायर का क्राइटेरिया। ऐसा नहीं है कि आप 8% दिखाओगे, नहीं, अगर एक्चुअल 20% है तो आपको 20 दिखाना है, एक्चुअल 4% है तो एक्चुअल 4 है तो 8 दिखाना है, एक्चुअल 4 है तो 8 या 6 जो भी हो, बैंकिंग वाला 6 वैसे वाला 8 है ना, तो एक्चुअल में अगर आप वहाँ देखोगे एक्ट की लगे जो देखो 44AD का सबसेक्शन 1 देखोगे तो वहाँ पे 8% लिखा है, 6% तो अलग से प्रोवाइजो डाला है उन्होंने, है ना, बाद में प्रोवाइजो डाल के कर रहा है कि अगर आपका रिसीट बैंकिंग चैनल से आती है तो उसके बदले में आप 6% भी दिखा सकते हो। तो सेक्शन 44AD कह रहा था टर्नओवर इक्वल टू और लेस देन 2 करोड़, ये सब लोग यहाँ जा सकते हैं, 2 करोड़ तक की टर्नओवर वाले लोग यहाँ जा सकते हैं। एक चीज़, ये एलिजिबल बिजनेस कौन कौन से थे, एलिजिबल बिजनेस कौन से थे, सभी तरह के ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस इसके अंदर एलिजिबल बिजनेस हैं, बस बट एक्सक्लूडिंग द प्रोफेशन सेक्शन कवर्ड अंडर सेक्शन 44AD(a), जो सेक्शन 44AD(a) में अपनी रिटर्न भरेंगे वो प्रोफेशनल यहाँ नहीं आ सकते हैं, एजेंसी के बिजनेस वाले यहाँ नहीं आ सकते हैं, कमीशन और ब्रोकरेज वाले बिजनेस वाले लोग यहाँ नहीं आ सकते, है ना। द पर्सन हु इज एंगेज इन द एजेंसी बिजनेस वो 44AD के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी चीज, द पर्सन हु इज ऑप्टिंग फॉर आईटीआर अंडर फाइलिंग आईटीआर अंडर सेक्शन 44AD, द प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल सेक्शन 44AD(a) में अपनी आईटीआर भर रहे हैं वो 44AD में नहीं आ सकते हैं, और वो लोग जो अपनी कमीशन बिजनेस से कमीशन की इनकम करते हैं वो नहीं कर सकते, वो 44AD में नहीं आ सकते। दूसरी चीज, एलिजिबल एसएससी कौन कौन से थे, यहाँ पे है ऑल बिजनेस एक्सेप्ट एजेंसी वाले, एजेंसी बिजनेस, ब्रोकरेज और कमीशन इनकम वाले, कमीशन इनकम वाले, एंड प्रोफेशनल रेफर्ड अंडर सेक्शन 44AA वाले लोग, ठीक है, एंड ऑप्टिंग फॉर
44ADA ऐसा है, सेक्शन 44AA के अंदर बहुत सारे प्रोफेशन हैं, है ना, बहुत सारे प्रोफेशन हैं सेक्शन 44AA के अंदर, लेकिन सारे लोगों को 44ADA नहीं मिलता है। तो जो प्रोफेशन 44ADA के अंदर आ जाएंगे तो फिर वो 44AD में नहीं आ सकते। तो ऐसा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सेक्शन 44AD में कोई भी प्रोफेशनल नहीं आ सकता, कुछ प्रोफेशनल आ सकते हैं। तो कौन कौन से प्रोफेशन इनकम टैक्स आइडेंटिफाई करें वो कहाँ लिखा, सेक्शन 44AA के अंदर। लेकिन उनमें से जो लोग 44ADA में अपनी ITR भर लेंगे वो यहाँ नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो ये एलिजिबल बिजनेस थे, एलिजिबल SSC ऑल बिजनेस है, इन लोगों को छोड़ के ये तीन लोग 44ADA के AD के अंदर नहीं आ सकते। दूसरी चीज इसके साथ एक समस्या क्या है, आपको जो अपनी इनकम करनी है, डिस्क्लोज करनी है, इनकम डिस्क्लोज्ड, ये डिस्क्लोज करनी है नहीं, कितनी 8% और एक्चुअल हायर ऑफ 8% और एक्चुअल इनकम विच एवर इज हायर, जो दोनों में से ज़्यादा होगी वो आपको इनकम दिखाएं, अपनी इनकम यहाँ रेफर करनी पड़ेगी ITR में, फॉर अदर देन रिसिप्ट अदर देन स्पेसिफाइड मोड, फॉर रिसिप्ट अदर देन स्पेसिफाइड मोड, और 6% ऑफ 6% और एक्चुअल रिसिप्ट बाय स्पेसिफाइड मोड। अच्छा ये है जो आपको रिसीट हुई है स्पेसिफाइड मोड से, है ना, मैं ये कह रहा हूँ अभी तक कि आपको 8% पैसा 8% अपना प्रॉफिट दिखाना है जो पैसा रिसीट हुआ है अदर देन स्पेसिफाइड मोड से, 6% प्रॉफिट दिखाना है उसका जो पैसा आपको रिसीट हुआ है स्पेसिफाइड मोड से, और जो पैसा रिसीव ही नहीं हुआ टर्नओवर में से उसका क्या है। ऐसा हो सकता है ना कि आपने पिछले साल में मान लीजिए 2 करोड़ की सेल करी, 2 करोड़ में से आपको 1.5 करोड़ की कलेक्शन हो गई, 1 करोड़ की कलेक्शन थी स्पेसिफाइड मोड से, 50 लाख की थी अनस्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड मोड से, तो बचे कितने 50 लाख, उस 50 लाख का क्या करना है। देखो 2 करोड़ की आपकी टर्नओवर है, ये टोटल टर्नओवर है आपकी, इसमें से 1.5 करोड़ की कलेक्शन हुई, 1 करोड़ की कलेक्शन हुई स्पेसिफाइड मोड से, इसका तो आप 6% दिखाओगे, है ना। 50 लाख की जो कलेक्शन हुई आपको ये हुई अदर देन स्पेसिफाइड मोड, अदर देन स्पेसिफाइड मोड, इसका आप 8% दिखाओगे, और बचे हुए 50 लाख का क्या करोगे, वो भी मान लिया जाएगा कि अदर देन स्पेसिफाइड मोड है ना, वो भी अदर देन स्पेसिफाइड मान लिया जाएगा। और ये कलेक्शन कब तक देखनी है आपने, 31 मार्च तक देखनी है या क्या देखनी है, ये कलेक्शन जो पैसा इकट्ठा हुआ है कब तक की डेट को देखना है। हाँ ITR की फाइलिंग डेट, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आई फाइलिंग ऑफ ITR अंडर सेक्शन 139 अंडर सेक्शन फाइलिंग ऑफ ITR अंडर सेक्शन 139 है, एक्चुअल रिटर्न फाइल करने की डेट 139(1) ही है, चाहे ऑडिट वाली हो नॉन ऑडिट वाली हो, बस डेटों में फर्क है, लेकिन ड्यू डेट जो ITR की दी गई है वो 139(1) में है। तो आपको ये देखना है कि ये पैसा ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ ITR कब तक है ना, ऑन और बिफोर फाइलिंग, वैसे तो ड्यू डेट 31 जुलाई है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने 31 अगस्त को रिटर्न भरी तो कलेक्शन कब तक की चेक करनी है, नहीं 31 जुलाई तक करनी है, 31 जुलाई तो ITR की ड्यू डेट क्या है 139(1) वाली, 31 जुलाई है। अगर ध्यान से सुनो दोबारा, हाँ दोबारा बोल रहा हूँ, सुनने में गलती हुई आपको, मैंने 139(1) के अंदर ITR फाइल करने की डेट नॉन ऑडिट केस में 31 जुलाई है, ठीक है, ऑडिट वाला तो वैसे भी 44AD में आ ही नहीं सकता, तो 31 जुलाई आपके लिए ड्यू डेट है लास्ट ईयर, और आप रिटर्न भर रहे हो 31 अगस्त को, तो कलेक्शन कब तक चेक करेंगे, 31 अगस्त तक या 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक, 31 अगस्त की नहीं करनी, उसके बाद तो सब पे 8% ही लेना है, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ और है, देखो इसमें यहाँ तक तो हम पिछली बार भी पढ़ चुके थे, तो रीकैप था ना, जैसे सीरियल में रीकैप आता है। अब इसके अंदर एक चीज़ और है कि मान लीजिए ये है मिस्टर ए, मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट करा है, बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 22 को करा, इसकी फर्स्ट ईयर टर्नओवर इज ₹80 लाख, क्या इसे 44AD में जाना जरूरी है,
वो इससे रिलेटेड मैंने आपको पढ़ाया नहीं, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ, इससे रिलेटेड आपने पढ़ा नहीं अभी तक? चलो अभी देखते हैं आंसर। ऑनलाइन वाले आप हो ना जागृत रूप अवस्था में? आवाज नहीं आ रही, कोई हलचल भी नहीं हो रही। सेकंड ईयर में टर्नओवर है 1,20,00,000, थर्ड ईयर में टर्नओवर है 2,00,00,000। ये सब बिजनेस है, ध्यान रखना, बिजनेस लिखा इसलिए मैंने, प्रोफेसर नहीं है। फोर्थ ईयर में टर्नओवर है ₹3.5 crore या 11 crore फॉर रिमूवल ऑफ एनी डाउट। और फिफ्थ, आओ बेटा आओ, फिफ्थ ईयर में टर्नओवर है ₹1.80 crore। अब मुझे ये बता दो इसे 44 AD में कब कब जाएगा, कब कब नहीं जाएगा? ये खाली आपसे जनरल आइडिया है अभी तक के पढ़े के हिसाब से। अभी वैसे आप जवाब दे सकते हो बिना इधर दोबारा कुछ करे भी। 44 AD में थर्ड और फोर्थ में, फोर्थ तो 11 करोड़ की टर्नओवर है, इक्वल टू और लेस देन है बेटा। नहीं ये तो देखो, ये देखो आपने लास्ट क्लास में भी देखा होगा। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी 44 AD में कब कब जाना चाहिए इसे? हाँ जी, फोर्थ को छोड़ के यहाँ पे तो मैंडेटरी है, मैंडेटरी कौन सा सेक्शन है यहाँ पे? ऑडिट, मैंडेटरी ऑडिट सेक्शन। वेरी गुड, 44 AB, वेरी गुड, 44 AB। बोलते रहोगे तो बहुत सारे सही निकलेंगे, बोलना पड़ेगा, अटक जाते तो गड़बड़। अच्छा, और जगह कहीं है और कहीं और? सब में 44 AD है? Yes, सब में 44 AD। तो देखो अब मैं आपको 44 AD में एक क्लॉज है। 44 AD क्या कहता है? जिस साल आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, ठीक है, 44 AD कहता है कि जिस साल आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, इट इज़ द ऑप्शन विद द SSC टू ऑप्ट फॉर द 44 AD और टू रिमेन आउट ऑफ दैट। यहाँ जाना मैंडेटरी नहीं है, है ना? हालांकि आप उसकी लैंग्वेज पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है सेल, सेल का मतलब तो मैं नहीं हो सकता, लेकिन इनकम टैक्स कहता है सेल का मतलब हम मैं भी मान रहे हैं, मतलब सेल का मतलब है कि जाना ही पड़ेगा। वहाँ लिखा है अगर टर्नओवर 44 AD में टर्नओवर लेस देन 2 crore तो आपको 44 AD में आना पड़ेगा, है ना? ऑडिट तो है नहीं तो यहाँ पर। और जब 44 AB की लैंग्वेज पढ़ते हैं वहाँ लिखा है द टर्नओवर एक्सीडिंग 1 crore इज रिक्वायर्ड टू बी गेट बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड, तो इसके लिए तो यहाँ ऑडिट चाहिए था, है ना? 1 crore से ज़्यादा में, तो इसमें लैंग्वेज में थोड़ा सा ग्लिच है, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या है कि जब आप फर्स्ट ईयर में बिजनेस है तब तो, जब फर्स्ट ईयर की बात है तो कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट ईयर में आपके पास ऑप्शन है, आप 44 AD दिखाओ, मत जाओ, मत जाओ। नहीं जाओगे तो क्या करोगे? आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर मेंटेन करनी है, जो प्रॉफिट आ रहा है वो ITR भर दो नॉर्मल नॉर्मल प्रोविजन से बिना 44 AD में गए हुए। सेकेंड ईयर में भी आपके पास वही ऑप्शन है, थर्ड ईयर में भी ऑप्शन है, सारे सालों में आपके पास वही ऑप्शन है कि आप 44 AD में नहीं जाना चाहते तो कुछ मत करो, नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ, जो प्रॉफिट आ रहा है वो डिक्लेयर कर दो। क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है कि अभी देख लो, अभी जो आपका SSC है मिस्टर ए है 44 AD में नहीं गया है, 2022 से चालू करा है बिजनेस, आज तक 44 AD से ऑप्ट नहीं करा है, तो गवर्नमेंट कह रही है नहीं करा तो कोई बात नहीं, जो प्रोविजन लगेंगे वो लगाते रहो। यानी कि यहाँ पे 44 AD में नहीं गया, यहाँ पे लिखा है नॉट ऑप्टेड। ऑप्ट कर सकता था या नहीं कर सकता था? ये ऑप्ट कर सकता था, बट ही हैज नॉट ऑप्टेड, नॉट ऑप्टेड। तो नॉट ऑप्टेड का मतलब है, तो यहाँ पे भी उसकी मर्जी है करे या ना करे, यहाँ पे भी उसकी मर्जी। इन तीनों के समय ऑप्ट कर सकता था नहीं कर सकता था? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, पहले 3 सालों में उसके पास ऑप्शन थी या नहीं थी 44 AD में चला जाए? ऑप्शन थी ना उसके पास, तो 3 सालों में ऑप्शन थी, बस उसने यहाँ पर भी ऑप्ट नहीं करा। यहाँ पे आते आते किसी ने उसे बताया भाई देख तेरा नुकसान हो रहा है, तू 44 AD में चले जा, वैसे तो तेरा नया नया बिजनेस लॉस ही तो हो रहा है।
है ना, या तेरे को प्रॉफिट हो भी रहा है तो 7-8% के आसपास प्रॉफिट आ रहा है, उसके में इतने सारे झमेले हैं, तेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, ये करनी है, तो एक काम कर 8% ही प्रॉफिट दिखा दे, तो 8% प्रॉफिट दिखा दे भी देगा, तेरे को भाई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, नॉर्मल टैक्स आएगा, या 6 तेरा बैंकिंग चैनल से आता है तो 6% प्रॉफिट दिखा दे, तेरा तब भी कोई नुकसान नहीं, जितने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के झमेले हैं, 44 वो TDS की क्लॉज भी देखो, यहाँ पे तो 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होगा ना, इसे TDS भी एप्लीकेबल हो जाएगा, TDS की कंप्लाइंस करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, तो वो सारे झमेले से तू बच जाएगा। किसी पे अगर तूने TDS नहीं भी काटा तो तेरे को 40AIA भी नहीं लगेगा, तेरे को उसकी नॉन डिडक्शन की अलाउड वो एडबैक भी नहीं होगा, तेरे को 40A3 भी नहीं लगेगा। 40A3 क्या कहता था, 40A3 क्या बोलता है, कैश पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 इन अ डे टू अ पर्सन, है ना, वो भी नहीं लगेगा, तो वो सारी चीज़ों तू झमेले से बच जाएगा, सब कुछ मान लिया गया, इट इज़ हैव बीन क्लेम्ड, है ना, 12 लाख तेरे को प्रॉफिट आ ही जाएगा, मान ले कोई बात नहीं। तो उसको इसने असेसी ने क्या बोला, उसके कंसल्टेंट ने बोला यहाँ पे आ जाओ भाई, तो सेक्शन 44AD में घुस जा, तो अब ये फायदेमंद है तेरे लिए, सेक्शन 44AD में वो यहाँ पर आ गया। आ वो ऊपर भी सकता था, लेकिन वो वहाँ पे नहीं आया, उसे पता नहीं था या बेनिफिट था जो भी कुछ था, लेकिन यहाँ पे 44AD ऑप्ट कर लिया उसने, ऑप्ट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब इनकम टैक्स पता क्या कह रहा है, अगर आपने एक बार सेक्शन 44AD ऑप्ट कर लिया तो अब अगले 5 सालों तक यहाँ से बाहर नहीं जा सकते आप, पहली बात ध्यान रखना, आप अपने अगले 5 सालों तक बाहर नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। यहाँ पे वो क्या करा, यहाँ पे क्या वो 44AD अपना सकता था? नहीं अपना सकता था ना, तो क्या वो अपनी मर्जी से बाहर गया? नहीं गया। तो अब यहाँ पे दोबारा 44AD यूज कर सकता, नहीं कर सकता? मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ, सेक्शन 44AD कहता है कि आप जब बिजनेस कमेंस कर रहा है उस साल से आपके ऊपर मर्जी है, आप 44AD में आओ या मत आओ, एक बात क्लियर हो गई। लेकिन जब तक आप बाहर हो, बाहर रहो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। एक बार द मोमेंट यू हैव ऑप्टेड फॉर द सेक्शन 44AD, यू कैन नॉट एग्जिट फ्रॉम दिस सेक्शन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 सालों तक आप अपनी मर्जी से नहीं आ सकते। यहाँ पे क्या गड़बड़, टर्नओवर बढ़ गई, उसकी मर्जी से कोई बाहर आया, टर्नओवर बढ़ गई। अब उसने मान लो यहाँ पे 1,80,00,000 आ गई, तो जब ये पिछले साल में बाहर गया था तो क्या अपनी मर्जी से गया था? नहीं गया था, टर्नओवर के क्राइटेरिया ने बाहर कर दिया। अब फिर से टर्नओवर कम हो गई, तो यहाँ पे सेक्शन 44AD ही इज एलिजिबल टू ऑप्ट, है ना, ऑप्ट करेगा नहीं करेगा उसकी मर्जी है। मैंडेटरी ऑडिट हो गया था यहाँ पे तो। हाँ, एलिजिबल टू ऑप्ट, अभी बताता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वो यहाँ पे सेक्शन 44AD को ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल तो है, लेकिन वो कहता है मैं ऑप्ट ही नहीं कर रहा, तो ऑप्ट नहीं करेगा तो अब क्या करना पड़ेगा, इसे ऑडिट कराना पड़ेगा। बट सर इसमें जब 2 लाख उसकी टर्नओवर थी तो उसने बोला था कि 5 साल के लिए जाना है। हाँ। उसके अगले साल वो हट गया। हाँ। 44AB में आ गया, तो उसको फिर भी कंपलसरी है अगर वो मतलब 5th ईयर में। नहीं देखो, 5th ईयर में अब टर्नओवर 1,80,00,000 हो गई, टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे हो गई, तो अब एसएससी के पास ऑप्शन है 44AD में दोबारा जाए या बाहर रहे। अगर वो 44AD से बाहर रहेगा तो इसमें ऑडिट कराना पड़ेगा सब। लेकिन एक बार चेन ब्रोक हो गई ना, तो यहाँ पे दोबारा 44AD में जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, अपने आप 44AD में चला जाएगा, फिर से 44AD में जा सकता है। हाँ जी, हाँ वो, हाँ वो 44AD में फिर से जा सकता है, फिर से जा सकता है। अगर 44AD में नहीं जाएगा तो अब इसे 1,80,00,000 में भी ऑडिट करानी पड़ेगी, ध्यान रख लेना। अगर ये 44AD नहीं चूज करता है तो यहाँ पे ऑडिट बनेगी, क्योंकि टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो ये नॉर्मल 44। अब इसके पास ऑप्शन क्या है, या तो 44AD में जाए या 44AB में जाए, और कोई तीसरी ऑप्शन नहीं है इसके पास। जैसे यहाँ पर पहले साल में क्या था, 44AB लग नहीं रहा था, 44AD में गया नहीं, तो तीसरी ऑप्शन क्या थी, नॉर्मल में चलेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा, ITR फाइल करेगा, जो प्रॉफिट आएगा वो दिखाएगा। यहाँ पर भी इसके पास सेम ऑप्शन थी, जिसने 44AD नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी ऑप्शन तो थी, लेकिन 44AD पकड़ लिया। एक बार 44AD पकड़ लिया तो अब 5 साल तक मिनिमम आपको वहाँ रहना पड़ेगा, 5 साल से पहले आप अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकते। एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज, 6th ईयर 7th ईयर 8 9 10, यहाँ पर इसकी टर्नओवर थी 2 करोड़, यहाँ पे इसकी टर्नओवर थी 1,70,00,000, यहाँ पे इसकी टर्नओवर थी 80,00,000, यहाँ पे इसकी टर्नओवर थी 40,00,000, और यहाँ से ऑडिट पे आ गया दोबारा से इसने। अब की बार 44AD देखो, यहाँ पे 44AD लिया था क्योंकि इसकी मजबूरी थी, इससे पिछले साल में बाहर जाना इसकी गलती नहीं थी, तो इसने 44AD ले लिया, ये दोबारा अंदर घुस गया 44AD में।
अब जब दोबारा 44AD में घुस गया तो लेकिन अब यहाँ पे आके इसने फिर से ऑडिट पे चला गया, ऑडिट इसने 44AD को ऑप्ट आउट कर लिया, ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB में चला गया दोबारा से, क्योंकि कोई भी SSC जो टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा 44AB चुन सकता है वो 44AB में चला गया। अब क्या इसकी टर्नओवर क्राइटेरिया ने बाहर भेजा था? नहीं, टर्नओवर तो अभी 2 करोड़ थी ना, तो अब ये इनमें से किसी भी साल में 44AD में नहीं जा सकता, और हर साल यहाँ पर भी ऑडिट कराना है, यहाँ पर भी ऑडिट कराना है, यहाँ पर भी ऑडिट कराना है। अब इसे बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करनी है, ऑडिट भी कराना है। क्यों? क्योंकि ये अपनी मर्जी से बाहर गया है। एक बार जब आप ऐसे बाहर चले जाओगे तो इस ईयर में प्लस इसके बाद 5 सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में अब आप 44AD में अंदर आ ही नहीं सकते, जबकि टर्नओवर चाहे कुछ भी हो जाए। हर साल आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करनी है, अकाउंट्स बनाने, यहाँ पर भी ऑडिट होगा 44AB वाला, यहाँ पर भी ऑडिट होगा, सब जगह ऑडिट होगा इसका। इसे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने और ऑडिट करा के रिटर्न फाइल करानी है। क्लियर है? तो 44AD में जाना आसान है, बाहर निकलना मुश्किल काम है ना। ये वो महाभारत वाला चक्रव्यूह वाला है, अभी अभिमन्यु अंदर तो चला गया तो बाहर नहीं आ पाया बेचारा। तो अगर 44AD में जाते हो तो 44AD से अगले 5 सालों के लिए आप बाहर नहीं आ सकते। अगर टर्नओवर के क्राइटेरिया से बाहर आओगे तो आपकी गलती नहीं है, वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप अपनी मर्जी से ऑप्ट आउट करोगे तो फिर उस साल उसके अगले 5 साल और दोबारा 44AD नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए, टर्नओवर कितनी भी चली जाए, फिर आपको ऑडिट ही कराना पड़ेगा। तो सर जैसे अभी टर्नओवर क्रॉस हो गई तो चेन ब्रेक हो गई तो वो तो 5 ईयर्स का काउंट नहीं, नहीं नहीं वो उनमें काउंट नहीं, हाँ वो उनमें काउंट नहीं है। जैसे 11 करोड़ के टर्नओवर तो आपकी गलती नहीं है, तो टर्नओवर की वजह से गलती है, आप बाहर आ गए तो टर्नओवर ने बाहर निकाल दिया ना आपको, वो गलती नहीं, वो आपकी गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन थी, फिर आप बाहर क्यों गए? आप बाहर गए तो दोबारा 5 साल के लिए 44AD में नहीं आ सकते दोबारा कोई भी। क्लियर है? प्रॉफिट की बात नहीं हो रही बच्चा, टर्नओवर की बात हो रही है। हाँ दोबारा बोलो, मान लीजिए ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 हाँ, कर लेंगे, हाँ बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो फिर अगर नेक्स्ट ईयर फिर से टर्नओवर बढ़ जाएगा तो फिर हमारा वो कब? हाँ फिर हम बाहर चले जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम अपनी गलती से बाहर ही नहीं गए। हमारे को देखो, जिस साल आप 40, मेरी बात सुनो, यहाँ पे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं, ये जो टर्नओवर थी 2 करोड़ दी थी, 2 करोड़ 80 लाख थी, यही बात करें ना आप लोग, 12 करोड़ 80 लाख रुपए थी टर्नओवर, ये बात ठीक है? यहाँ पे 12 करोड़ थी, आपको मैंडेटरी ऑडिट में जाना है, यहाँ पे टर्नओवर कम हो गई या 44AD में चले गए, यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पे ये मान लो ये टर्नओवर 1 करोड़ 80 लाख है, अब आप यहाँ 44AD में थे, यहाँ पे अगर आप बाहर चले गए तो आप अपनी मर्जी से बाहर गए हो, है ना, 1 करोड़ 80 लाख के टर्नओवर वाला तो अपनी मर्जी से बाहर गया ना, 2 करोड़ तक तो 44AD में रह सकते थे आप, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से बाहर गए। अगर यहाँ पर बाहर गए तो अब इस साल और अगले 5 साल अंदर नहीं आ पाओगे दोबारा, समझे क्या नाम है, है ना पंकज? देखो अगर इस साल आप बाहर गए, यहाँ पर आप एग्जिट कर गए, एग्जिट, तो ये इस साल प्लस अगले 5 साल दोबारा 44AD में नहीं आओगे, टर्नओवर चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये भी 44AD के लिए एलिजिबल नहीं बचे आप, यहाँ पे तो 40 लाख टर्नओवर हो गए ना, तब भी आप 44AD में नहीं आ सकते आप। क्लियर है? हेलो, ठीक है ना? चलो अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे, होमवर्क है, इस पर डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे, आपके लिए होमवर्क है। आपने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 28 के अंदर एक सब क्लॉज पढ़ा था, एनी रेम्यूनरेशन सैलरी कमीशन रिसीव्ड बाय पार्टनर्स फ्रॉम फर्म सेल बी क्या था, कौन सी इनकम होती है? सेल बी इनकम ऑफ पीजीबीपी। यहाँ तक बात क्लियर है? ये बिजनेस की इनकम है, यही था ना क्लॉज, याद है 27-28 में क्लॉज था ये। अब मेरे को ये बताओ, ये ए एंड बी एसोसिएट्स एक पार्टनरशिप फर्म है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। ये ट्रेडिंग करते हैं, प्रोफेशन में नहीं है, पहली बात तो ट्रेडर है, ये ट्रेडर्स है फर्म। इनके टर्नओवर और जो भी प्रॉफिट अवेलेबल था उसके हिसाब से ए
और बी को जो पूरे साल में रेमुनरेशन मिला इसको मिला 2.5 CR, 2.5 करोड़ रुपए का, इसको मिला 3.5 CR। यहाँ तक चीज़ क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है कि कैन दे ऑप्ट, अगर किसी को पता भी हो तो प्लीज़ अभी आंसर मत करना, ऑप्ट फॉर 44 AD और नॉट, ये क्वेश्चन है होमवर्क वाला।